जमूरे, तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों किया कल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला, जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ, खगा की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला। शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला। बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला। शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत शिक्षा पैसे वालों की। सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। ओ बहन, ओ बहन, तू तो जेवाला देख, जेवाला देख, एकदम बारा सिंगापुरी लालो ने कहा है, सिंगापुरी। हाँ एकदम वो कहना नहीं देखो, हाँ इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड। हाँ और पता है, जब से जेवाला डिजाइन आया है ना, तेरी कसम समझ में ही खरीद रही है। हाँ नहीं नहीं, रंग और है, मैं दिखाता हूँ। देख जो फरोजी है, और जो नारंगी है, और जो गुलाबी भी है। और पता है कीमत कितनी है? 8 रुपया। 8? अब मैं तेरी कदम खा के कह रहा हूँ कि जे तो आंख बंद करके लेने वाली चीज है। अब मेरा माल तो 2 दिन में सारा उठ गया, और अब क्या है, तो वही 2-3 पीस रह गए हैं बस। रहमान तू तो जय ले ले अपनी छोरी के लिए, बहुत खिलेगा उस पे। तू एक काम कर, तू ऐसा कर जे ले ले। देख जे अमेरिकन लाइलॉन का है, अमेरिकन लाइलॉन का। हाँ और देख ये देख कैसा बढ़िया गोटेला काम हो रहा है इस पे है, और जी लेस भी लगी है इस पे। देख 12 रुपए का तो कम से कम माल है इसमें, और बाकी काम है कारीगरी का। अब असल में क्या है कि आइटम एकदम नया है ना, इसलिए इसके दाम हमने बहुत ही कमती रखे हैं, 10 रुपए। 10 रुपए? हाय राम। अरे मुफ्त समझो, मुफ्त हाय राम क्या होती है। देखो हमने तुमसे कहा ना कि 12-15 का तो माल है इसमें, और कारीगर की मेहनत है। अरे ऐसी चीजें बहन जी रोज रोज नहीं मिलती है। अरे ऐसी चीजें तो नजर पड़ते ही खरीद लेनी चाहिए। भैया है तो सुंदर, पवंटी में पैसे भी तो हो ना। अरे कमाल करे, तेरे से पूरी कीमत कौन मांग रहा है अभी? आधी तू अभी दे दे, आधी बाद में दे दी। अच्छा तू चल ऐसा कर, पूरी कीमत तू मुझे बाद में दे दियो। अरे भाई देखो ये तो घर की बात है, मेरा क्या मैं फिर ले लूंगा। भैया मैं तो नू ही देख रही, मेरे तो पोता है गा, हाँ उसे थोड़ी पहराऊंगी ये फराक। अरे तो क्या हो गया, तू ऐसा कर जेब वाला फौजी सूट ले जा। हाँ देख इसमें टोपी है, इसमें जे बेल्ट लगी है, और इसमें जे सीटी है, बहुत बढ़िया लगेगा। और देख जी पहन सकती है ये असली मील का कपड़ा है, असली मील का, इसे पहन के तेरा लड़का आला अफसर लगेगा, आला अफसर ले ले। लेकिन वो तो अभी बहुत छोटा हैगा, ये सूट तो 3-4 साल के बच्चे का आएगा। ओहो तू भी कमाल करे है रहमान। जे बता भैया कि क्या बात है कि आज नहीं पहनेगा कल पहन देगा? भाई देख आजकल बच्चों को बड़े होते कहीं देर थोड़ी लगती है। अच्छा और रखे रखे झींगर जो चाट जाएंगे? ऐसा है कि जे बिलायती कपड़ा है, और जो तेरे हिंदुस्तानी झींगर जो है ना, जैसे क्या काटेंगे उनकी 7 पीढ़ी से चाटते चाटते घिस जाएंगी, लेकिन जे कपड़ा टस से मस नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। अच्छा और नहीं तो क्या, कैसे कह रही है? अच्छा अरे ले ले रख ले, अरे रख ले। नहीं रे बड़ा महंगा है। ओहो तू तो देख कमाल करे है, काय का महंगा है, है? दो दो चार चार करके दे दियो है? अरे देख आज 22 का मिले तो भी रहा है, बाद में 40 का भी नहीं मिलेगा, सुन ले। नहीं भैया मुंह पे ना निकलेगा इतना पैसा। हाँ अरे फिर वही बात करे जा रही है, फिर वही बात करे चली जा रही है। अरे अच्छा तू चल किस्तों पे दे दियो, बस फसल कटने पे दे दियो। ना ना रहने दे। ओफो
अच्छा तू एक बात सुन, ऐसा कर तू 20 दे दे ना। बिल्कुल नहीं, 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 अब एक बात नहीं सुनूंगा, बस कह दिया मैंने। हाँ, बोनी का बखत है, फौरन पैसे निकाल ले ले। इस गोटे वाली के ठीक ठीक दाम लगा। ठीक ठीक लो, अरे तो मैं कौन से ठीक लगा रहा हूँ भाई। अगर तेरे को 25 से कम में मिल जाए तो मेरी तरफ से एक पीस फ्री ले दे। 10 रुपए तो बहुत जास्ती है इसके। जास्ती है? लो यार कैसी बातें कर रहा है यार तू, काय के जास्ती है भाई। अच्छा तू बोल कितने देगा? अब तू ही लगा ले ठीक ठाक। देख भाई, मैंने तो तेरे को बता दिया है कि मैंने तो कंपनी की मजदूरी के लिए 10 रुपए दाम लगाए, अब तू अपनी समझ से बोल दे क्या देगा। 7 रुपए। 7? कपड़े और उतार ले मेरे। उतार ले, कमाल का दिया है यार। एक तो उधार खाता मचा रखा है और ऊपर से आधी पौनी कीमत दे रही है। उधार कौन ले रहा है? नगद दे रहा हूं। नगद? अरे तो तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताई रहमान है। अल्लाह निकाल निकाल ले। अरे जे कैसा बाजार लगा हुआ है। अरे असर भी, सलाम सलाम है। वो असल में क्या है कि हमने सोचा कि चलो आज असरपी का दरवाजा भी खटखटा दिया जाए। देखो असरपी, हम तो मुझसे बहुत नाराज हैं, समझे? बहुत ही नाराज हैं। आज तुम्हारी बच्ची को हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन तुमने हमसे एक चड्डी तक नहीं खरीदी है उसकी। क्यों भाई, मेरे आंगन में कोई गड़ावा खजाना निकल आया क्या? अब रेंडो असरपी, तुम रेंडो। देखो हमें सब मालूम है, तुम गांव वालों के पास ऊपर से पैसा नजर नहीं आता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना तो अपने आप भीतर से निकल आता है। तो भाई ऐसे गांव वालों से जरा मेरी भी मुलाकात करा दे भले आदमी। अरे तू बात कर रहा होगा ठाकुर और कामता जैसों की, यहाँ तो एक भी कौड़ी ना जेब में। खैर कुछ भी है, हमारी बिक्री तो तेरे आदमी ने कराई दी। क्यों जी, खरीदा क्या कुछ तुमने? अरे जे खरीदा है ना रहमान ने, छोरी राजकुमारी लगेगी पहर के, 7 रुपए का है। हाँ ओ बस। अरे पर जे तो नायलॉन का है, अरे जे क्यों ली तुमने? अरे देख तो सही, देख कितना अच्छा है, पीला पीला रंग, और देख इसमें कितना अच्छा गोटा लगा हुआ है। हाँ। इसे पहन के मुन्नी सहजादी लगेगी पूरी। हाँ। और जब रोवेगी तो संभाले ना संभलने की, इतनी जरा सी बच्ची को नायलान के कपड़े पहनावे क्या है? और जो गोटा ना चुभने का उसको, चलो वापस करो इसे। हाँ। अरे ओ असरपी, देख आजकल शहर में सारे बच्चे यही पहन रहे हैं। अब ये बता कि नायलॉन से अच्छा कपड़ा कोई आज तक याद हुआ है क्या? रहने तू, मुझे मत ना समझा लायलान के गुण, हवा तक तो पार ना होती इसमें से। हाँ पर सीने से नहा जागी छोरी, और ऊपर से दाद और खुजली का खतरा, और मैं तो कभी भी ना पहनाऊं अपनी बच्ची को, और आग के पास चली गई तो। अरे वो असर भी, ओ असर भी, काय को मेरे पेट पे लात मार रही है तू है? अरे मेरे मान, तू रख ले, रख ले तू, समझा? इसकी बात में मत जा, मैं तेरे से पैसे बाद में ले लूंगा। अच्छा अरे हिम्मत तो बड़ी है तेरी, जब कह दिया कि ना लेना, अब उठा अपना तान तोड़ा, निकल यहाँ से। ठीक है। चाची तैने भी हद कर दी, तूने तो खुद बच्चे पाले हैं। अरे तुझे पता ना है कि कपड़े कैसे हो गए बच्चों के, तूने मना ना करा इसे। इसने तो खुद लिया है। तैने क्या लिया है चाची? अरे मैंने तो जो सूती लिया है, कोई गोटा वोटा भी ना लगा इसमें। अरे पर जो है किसके लिए? बड़े के छोरा के लिए। इसे आ जाएगा? वो तो पिद्दी साया भी। तो का हुआ, बड़ा होके पहरेगा। ओहो तो तू अभी से उसके लिए पंचवर्षीय योजना बना रही है? कमाल कर दिया तैने चाची, वापस कर इसे। अरे ओ असरपी, ओ असरपी, देख एक बात बता दूं मैं तेरे को, अगर तेरे को माल नहीं लेना तो तू मत ले, लेकिन दूसरे के सौदे में तुझे टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे यार ठाने डाल लगी नहीं है तू? ये तुम सुन, देख मैं बिल्कुल वापस नहीं लूंगा, बिल्कुल वापस नहीं लूंगा, समझ गए तू? हाँ, तुम लोगों ने मजाक समझ रखा है। क्या कही तने, वापस न लेने का है? फिर से बोलिए जरा एक बार। बड़ा आया वापस न लेने वाला? अरे भोले भाले गांव वालों को लूटने का धंधा बना रखा है तने, यहाँ खाने को पेट में दाने नहीं है, और ये चले 7-7 रुपए का सूट बेचने। 20 का बता रहे? 20 का? 40 का ना बताया तने? पैसे तो यहाँ पेड़ पे टंग रहे हैं ना। रख अपना सूट और पैसे वापस दे चाची के। पैसे? ने कौन से पैसे? नहीं बता तो सही कौन से पैसे। अरे पैसे ऐसे ना दिए भी है तो पैसे लौटाऊं उसके? एक तो उधार खाता मचा रखा है और ऊपर से ये तेवर दिखाए जा रही है। चले आती ठोकरे कहीं के। तू निकल ले यहाँ से, रास्ता नाप ले अपना। अरे हमारा रास्ता भाजपा नहीं नापते, हम नापते हैं कपड़े, और पैसे में जा रहा हूँ, रास्ता नाप वाली नहीं। जाओ निकल ले। और जो मेरे दरवाजे पे फिर से आया ना,
को तेरी खैर नहीं है। खैर नहीं है, नहीं तो बहुत देखे मैंने तेरे जैसे, समझी? हाँ हमने भी बहुत देखे हैं। चले कपड़े खरीदेंगे, इन लोगों को देख के तो ऐसी मन में आती के अरे तो बड़ी हंसी आ रही है। अच्छा रहमान मैं तो चली। अच्छा चाची, राम राम। राम राम। देख लिया बिटिया, देख लिया अपनी अम्मा को, तेरे लिए इतनी सुंदर फ्राक खरीदी, इसने वापस करा दी। कह दे अब्बा, अम्मा ने ठीक किया जो वापस करा दी। हाँ हमें ना पहनने नायलॉन के गोता लगे हुए फिराक, हमें तो अम्मा के हाथ के ढीले ढाले कपड़े अच्छे लगे। कह दे मुन्नी, बहुत ही कंजूस मक्खी चूस है तेरी अम्मा। हाँ बोल दे, हमारी अम्मा तुम्हारी तरह फिजूल खर्चना है कि घर में तो है नहीं खाने को, और अब्बा चले 100-100 रुपए का फिराक लाने को। अब्बा प्यार जो करे अपनी मुन्नी को वो। अच्छा जी, इतना ही प्यार है तो जे समझने की कोशिश करो कि मुन्नी के लिए क्या अच्छा रहेगा क्या बुरा रहेगा। और इतना ही प्यार आ रहा है तो 100 रुपए की सब्जी खिला मुन्नी के लिए। हैं मुन्नी, देखो री, इसमें समझने की तो बस यही बात है कि बच्चे के कपड़े ढीले ढाले होने चाहिए, जो पहनने में और उतारने में तंग ना लगे, और मुलायम होने चाहिए जो उनको चुभे ना, और सबसे बड़ी बात ये है कि रंग भी पक्के होने चाहिए। आ गई समझ में? मैंने अपने सब बालकन के लत्ते पुराने कपड़ों से ही बनाए हैं, उसी में खुश रहा करे हैं। बस जे मुन्ना की बारी में ही निककर कमीज पहराए हैं, उसके बापू को बोनस मिला है उसी में से ले आए, पर पहर के तो बेचारा रोता ही रहे, कभी इधर से चुभे हैं तो कभी उधर से काटे हैं, पहराओ तो बालक परेशान, उतारो तो उसका बापू नाराज, अजब आफत है। अरे ये तड़क भड़क के चमकीले कपड़े माँ बाप को सुहावे हैं, बालक तो उन्हीं में खुश रहे हैं जिनमें उन्हें आराम मिले, और फिर उन्हें धोना भी मुश्किल। अब बालकन के लत्ते तो बार बार धोने पड़े, पर इनमें क्या है, ना तो ठीक से धो सको ना रगड़ सको, अब गोटा निकल जाएगा, डिजाइन भी जाएगा, और फिर वही गंदे संदे बिसांद मारते पहन कर डोलते रहे। ठीक, अब सगरी बात आ गई समझ में तुम्हारे, दोबारा से पढ़ो इसे। कमला बच्ची को साफ सुथरा रखती है, उसे रोज नहलाती है, नरम कपड़े से पोंछकर साफ सुथरे और मुलायम कपड़े पहनाती है, उसने उसके सभी कपड़े ढीले ढाले बनाए हैं, उनको पहनाने और उतारने में परेशानी नहीं होती। परेशानी नहीं परेशानी। अरे जे ना चढ़ा अब तक मेरी जबान पर। तेरी जबान है या कुतुब मीनार जिस पे जो छोटा सा अक्षर ना चढ़ पा रहा। अरे कौशल्या की बच्ची तू फिर बोली। कौशल्या नहीं कौशल्या। अरे कौशल्या से कौशल्या होके कौन सी सुधर जागी। कौशल्या परेशानी, कौशल्या परेशानी, अरे कौशल्या ने परेशान कर दिया। कमला उसके लिए हल्के रंग की फ्राकें ही पसंद करती है, वो उसे गर्मी सर्दी के अनुसार ही कपड़े पहनाती है, वो उसे नायलॉन के कपड़े नहीं पहनाती, गर्मियों में सूती कपड़े पहनाती है, सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनाती है, पैरों में भी कपड़ा पहनाकर रखती है। सही बात है, पांव भीग गए तो बालों को ठंडा लग जाएगी। वो ही नहीं, पैर भी तो साफ रह हुए हैं, कहीं बालक मुंह में पैर डाले और गंदगी पेट में। स्वेटर के जे बड़ा हुआ है ना सुशीला, स्वेटर
के ऊपर बिब भी पहनाती है। ऐसा करने से उसकी ठोड़ी में खुजली नहीं होती, कपड़े भी गंदे नहीं होते। जी, बिब का क्या बताया था तेने? मैं तो भूल गई। गतिया गतिया, बालक के गले में बांधने का रुमाल हुए एक तरीके का। अब हमारी तरफ तो रिवाज है ना, इसलिए नाम भी ना है, पर पूरब में इसे गतिया कहवे हैं और कहीं कहीं से राला कहवे हैं। और उषा बहन जी बता रही कि बंगाल में इसे लाला पोश कहवे। लाला पोश? हाँ, जैसे तखत पोश, मेज पोश, पाप पोश, वैसे लाला पोश। अब छोटे बालक को लाला कहवे है ना। अच्छा, हाँ। लाला पोश। स्वेटर के ऊपर बिब भी पहनाती है, ऐसा करने से उसकी ठोड़ी में खुजली नहीं होती, कपड़े भी गंदे नहीं होते। कई बार बच्ची पेशाब या दूध से कपड़े गंदे कर देती है। कमला उन कपड़ों को उसी समय धोकर सुखा देती है। वो बच्ची का पालन पोषण बड़े चाव से करती है। बच्ची साफ सुथरी और तंदुरुस्त है, वह सबकी लाडली हो गई है। यह सब कमला की समझ का परिणाम है। अरे मूर्ति, ये सारी बातें गांठ बांध ले। तेरी ससुराल में क्या पता ये सब बताने वाला कोई मिले ना मिले। तेरे जैसी नहीं हूँ मैं, यहाँ तो सब पढ़ के जाए और घर में पोता को उल्टे सीधे कपड़े पहनने दे। आ? अच्छा, और तेरा भैया जो लैलान की निकर कमीज पहरे डोले, वो ना दिखता तुझे? पर अम्मा कुछ ना कहती तो मैं क्या करूँ? अपने बापू से लड़ू क्या? अपने बापू से तो कहना सके, सास ससुर से क्या कहेगी? अम्मा, तू आज बापू से लड़ पड़ी हो, तू फिकर ना कर अम्मा, वो कुछ कहेंगे ना तो मैं तेरी तरफ से बोलूंगी। देख देख जरा सुशीला, इसको उनसे लड़ने को उकसा रही है, पागल ना हो तो। लड़ने का मतलब तू देख, तू अपनी बात पे अड़ जाइयो और कहियो कि मुन्ना को ऐसे कपड़े परेशान करे है। तो मैं भी करूँ ना, मैं बोलूंगी तेरे संग। जे देख, जे किताब खोल के दिखा दूंगी। तू तो घर में कलेश करावेगी। अरे कलेश कैसा? सही तो कह रही है मूर्ति, जो यहाँ की पढ़ाई यही रह जावे तो क्या फायदा। तू कहिए तो सही मुन्ना के बापू से कि ऐसे कपड़े ना पहनाए आगे से, है ना? पढ़ लिख के ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी औरत। औरत जो पढ़ गई तो वो दब कर न रहेगी, हरगिज नए समाज के जुल्मों को सहेगी। पढ़ने के हक को पाने की औरत ने है ठानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी।